दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशियस सूजी का हलवा। आई एम क्वाइट श्योर आपने ऐसा हलवा कभी नहीं खाया होगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। गाइस मैंने लिया है 150 ग्राम सूजी, एक कप सूजी। हम एक कढ़ाई लेंगे, गर्म कढ़ाई लेंगे और उसमें हम सूजी को डाल देंगे। गाइस ये ध्यान रखना कि जो कढ़ाई है आपकी पहले गर्म होनी चाहिए, उसके बाद आप सूजी को उसमें ऐड करें। और सूजी को हम 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरह इसको विस्क करें, अच्छी तरह हिलाएं इसको। गाइस हमारी सूजी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। उसके बाद हम उसी कढ़ाई में 5 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे, 5 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे और उसको हम मेल्ट होने देंगे। देसी घी जैसे हमारा मेल्ट हो जाए उसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स में गाइस मैंने लिए हैं बादाम, काजू और किशमिश। आप चाहें तो कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इनको हम 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। जैसे हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह रोस्ट हो जाएं, इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद गाइस उसी घी में हम डालेंगे सूजी और सूजी को हम अच्छी तरह पका लेंगे इसमें। तब तक हम अपना पानी बना लेते हैं। तो उसके लिए लिया मैंने 225 ग्राम शुगर, मतलब 1.5 कप शुगर। जितनी मैंने शुगर लिया उससे डबल मैंने पानी डाला उसमें। मतलब अगर मैंने 1.5 कप शुगर ली तो मैंने 3 कप उसमें पानी डाला हुआ। उसको हम हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। जब तक हमारी जो शुगर है, जो चीनी है, वो मेल्ट ना हो जाए तब तक हम उसको हम बॉईल कर लेंगे। तो जैसे ही हमारी गाइस जो शुगर है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम डालेंगे 1 पिंच फूड कलर का, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए। तो इसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के लिए पकाएंगे। लिक्विड बैटर तैयार हो चुका है। उसके बाद हम जो सूजी है उसको पका लेंगे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। इसको हम अच्छी तरह हिलाएंगे कि जो सूजी है हमारी कढ़ाई के साथ ना लग जाए। उसके बाद गाइस जो हमने लिक्विड बैटर तैयार किया था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह हिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गाइस ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसको पकाएंगे हाई फ्लेम पे, जब तक जो आपका सूजी का हलवा है जो वो थिक ना हो जाए। इसको अच्छी तरह हमने थिक करना है गाइस। तो जैसे आपका सूजी का हलवा जो है वो थिक हो जाए, उसके बाद आप इस फ्लेम को लो कर सकते हैं। गाइस हमारा सूजी का हलवा तैयार हो चुका है, तो चलिए इसको सर्व करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशियस सूजी का हलवा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है गाइस। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आई एम डैम श्योर कि आपने ऐसा सूजी का हलवा कभी नहीं खाया होगा। बहुत सी टेस्टी रेसिपी गाइस खुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। गुड बाय गाइस।